हाल ही में डेनमार्क की सरकार ने आर्टिफिशियल आइलैंड प्रोजेक्ट का एक बिल पास किया है, जिसका जोर शोर से प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि यह आर्टिफिशियल आइलैंड क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। उससे पहले अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये आर्टिफिशियल आइलैंड क्या है। डेनमार्क तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक छोटा सा कंट्री है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 60 लाख के करीब है। समुद्र से घिरे होने की वजह से जब सी लेवल बढ़ता है तो वहाँ के लोगों को अपना घर भी धीरे धीरे खोना पड़ता है। तो वहाँ की सरकार ने इस प्रॉब्लम के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का सोचा। आइलैंड लगभग 400 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा होगा, जिसमें करीब 35,000 लोग रह पाएंगे। इसके साथ इस आइलैंड पे सैकड़ों विंड टर्बाइंस लगाए जाएंगे, जो 260 मीटर लंबे होंगे। ये विंड टर्बाइंस 10 गीगावाट एनर्जी पैदा करेंगे, जो लगभग 1 करोड़ घरों के लिए काफी होगा। आइलैंड का नाम लिनेट होम है और इस आइलैंड को बनाने में $34 बिलियन का खर्च आएगा। इस आइलैंड को समुद्र के पानी से बचाने के लिए चारों तरफ से बांध बनाया जाएगा, फिर इसे रिंग रोड, टनल और मेट्रो के जरिए डेनमार्क से जोड़ा जाएगा। अगर इस आइलैंड का काम सही टाइम से हुआ तो 2035 तक इसका ज्यादातर नींव का हिस्सा कम्प्लीट हो जाएगा और साल 2070 तक ये आइलैंड बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा और कुछ इस तरह से दिखेगा। अब बात करते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि अगर इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होता है तो इसके लिए कच्चा माल ले जाने वाले करीब 350 ट्रक रोजाना राजधानी कोपेनहेगन से गुजरेगा, जिससे शहर की सड़कों पर न सिर्फ वाहनों की संख्या बढ़ेगी बल्कि पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 400 फुटबॉल ग्राउंड के आकार का इस आइलैंड को बनाने में तकरीबन 80 मिलियन टन, यानी 8 करोड़ टन मिट्टी की जरूरत होगी। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि इस योजना पर दोबारा विचार किया जाए, लेकिन संसद में 85 सांसदों ने इसके पक्ष में थे, जबकि 12 ने इसके खिलाफ वोट दिया। डेनमार्क की सरकार के मुताबिक देश की इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगी। डैनिश रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की हेड कैरिना क्रिस्टेंसेन ने कहा है कि माल लाने और ले जाने के लिए दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं, जैसे बिजली से चलने वाले ट्रक। ना तो वो शोर करते हैं और ना ही वो कार्बन छोड़ते हैं। फ्यूचर के हिसाब से ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए सरकार की मंजूरी चाहिए। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी हो या ना हो ये अलग बात है, मगर आप लाइक ना करें ये गलत बात है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।